नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता की टीम लगातार रिपोर्ट ले रही है, खासकर उम्मीदवार से बातचीत कर रही है और ग्रामीण से भी बातचीत कर रही है कि पंचायत को आने वाले समय में वो कहाँ तक देखना चाहते हैं विकास के मामले में। हमारे संवाददाता फिलहाल पूर्णिया जिला के भवा परबल पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है वासुदेव शर्मा, जो एक भावी मुख्य प्रत्याशी है। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर। बातचीत का सिलसिला देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूँ ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चरम पे है। कई चरणों में मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। इसी तरह मैं पूर्णिया से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर रुपौली प्रखंड के भवा परबल पंचायत में हूँ। मैं यहाँ के भावी प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है और उनका नाम वासुदेव शर्मा जी है, ये इन्हीं से जानते हैं कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, यहाँ का जो जन समस्या है, जन समस्या को लेकर के लड़ते हैं। जैसे भ्रष्ट व्यवस्था है, ये भ्रष्ट व्यवस्था का रोकने का मेरा है सबसे। अगर आपके मैं साफ करना देना चाहता हूँ, मैं कामरेड वासुदेव शर्मा CPIML से एरिया कमेटी का सदस्य हैं और हम चाहते हैं निचले पैदान से और परिवर्तन हो। जैसे कि शिक्षा का सवाल है, चिकित्सा की सवाल है, रोजी रोजगार की सवाल है। आपके पंचायत में समस्या क्या क्या है? समस्या हमारे पंचायत में जो है, अभी जो मिलना चाहिए, अभी जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, ये बाढ़ राहत नहीं मिला संपूर्ण रूप से। आकर के घोषणा तो कर दिए मुख्यमंत्री, लेकिन जितना मिलना चाहिए बिल्कुल ना का बरोबर है। और दूसरा सवाल है, इंदिरा आवास में धांधली है जी। और मनरेगा जो होना चाहिए मजदूरों को, वो मजदूरी नहीं मिल रहा है जी। और जो विस्थापित परिवार है कोसी नदी से जो कट करके आया है, उस अभी तक CO साहब ने जमीन उसको मुहैया करके नहीं दिया और किसी तरह का बर्ताव नहीं हुआ। झड़प होता है, पुलिस आकर के धमकाता है इन परिवारों को। सरकार तो कहती है कि 3 डिसमिल हम जमीन देंगे, लेकिन भाई अगर सीलिंग में जमीन है तो वो दे, अगर जमींदार का जमीन है तो खरीद करके जमीन दे। ये जन समस्या है। और यहाँ पढ़ने लिखने के जो लड़कियां जाती है तो बहुत सा टेंशन है यहाँ पर। वो ये समस्या है आपके, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो आप 10 ऐसे काम बताएं जो जिसको प्राथमिकता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपना, चाहे वो झड़प हो जाए वो अलग बात है, हम चाहेंगे कि रिश्वतखोर मुक्त पंचायत हो, मतलब घुसखोरी प्रथा खत्म हो जाए। और पहला काम ये होगा। दूसरा काम, दूसरा काम मनरेगा चालू करेंगे, जो मजदूरों को काम मिलेगा। जहाँ तक है कि पंचायती राज में, पंचायती अधिनियम में एक कानून है कि पंचायत फैसला करेगा, जन समूह को बैठा करके वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि क्या काम होगा। जनता जो निर्णय करेगा उस व्यवस्था से हम चलेंगे, क्योंकि जनतांत्रिक व्यवस्था है, जनता के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि भेजा जाता है। तो जनता को बैठा करके जो समस्या होगा वो हम कदम बाय कदम देखते जाएंगे कि जो समस्या आएगा उसको हम निर्णय लेंगे जनता के द्वारा। मुखिया जी, आपके पंचायत में अभी आपने बताया कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, आपके पंचायत की जनता जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से आप पंचायत की जनता को बताएं, यहां पे गर्ल्स हाई स्कूल है? स्कूल है, लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल है जी? नहीं, उस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? देखिए, इससे सरकार से हम लड़ेंगे। हाँ, ये सरकार से लड़ेंगे कि यहाँ लड़की का शिक्षा अच्छा उन्नत हो। हाँ। लेकिन यहाँ जो निजीकरण चल रहा है, यहाँ गरीब का मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। जो गरीब का बच्चा, गरीब लोग, किसान लोग जब पढ़ाना चाह रहा है तो निजीकरण स्कूल हो रहा है, ये गरीब लोग तो पढ़ नहीं पा रहा है। यह व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, हम चाहते हैं जैसे शिक्षित होगा
तो शिक्षित होने का मतलब है वो अपने रोजी रोजगार के सवाल पर होगा, के सवाल पर होगा, ये सवाल जनता उठाएगा, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। या अभी तो साया साड़ी बगड़े बगड़े पैसा भी कई प्रतिनिधि बांट रहे हैं, धर्म भी बेचा जा रहा है कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे। क्या इसीलिए वोट बना था? क्या संविधानकर्ता ने यही लिखा था कि चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे जितना जमीन वाला हो कि कम जमीन वाला हो, चाहे वृद्धा आदमी हो कि युवा हो, सभी का वोट बरोबर है जी। इसी का यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम बरोबर है, लेकिन यहाँ तो गरीबों का वोट बहका कर लिया जाता है जो अशिक्षित के वजह से। हम चाहते हैं सबसे पहले शिक्षा हो, उन्नत शिक्षा हो, तकवादी हो, विवेकशील शिक्षा हो, यही हमको आशा है। जनता पर हम भरोसा रखते हैं और वो भी हम पर विश्वास रखते हैं, लड़ाई आगे लड़ेंगे, जैसे समस्या आते जाएगा उस तरह का हम। आपके पंचायत में उपस्वास्थ्य केंद्र है? उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? इसका लड़ाई हम लड़ेंगे, अगर हम जनता साथ देगा तो संपूर्ण रूप से ये बनाएंगे हम, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। हाँ, अब आप करें। ये बताएं, आपके यहाँ युवाओं के लिए क्या खेलकूद का मैदान है? जी नहीं है। उस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? इस व्यवस्था युवाओं यहाँ कहाँ से जाएंगे खेलने के लिए? देखिए यहाँ पर हालांकि स्कूल है लेकिन फील्ड नहीं है उस स्तर का खेलने कूदने के लिए, उसका बेहतर तरह हम बढ़ाएंगे। जितने के बाद पंचायत का अपना होता है अपना, उसका पंचायत का तीसरी सरकार है पंचायत, जबकि जमीनी सरकार है ये जी, ये जमीनी सरकार है और इनको फैसला लेने का अपना अधिकार है जी। और ये फैसला अगर जनता साथ देगा तो हम इसका लड़ाई लड़ेंगे, फील्ड बनाएंगे, बच्चा के खेलकूद का मैदान बनाएंगे। आपने बताया कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान बनाएंगे। उसके बाद आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या, उस समस्या को आप कैसे देखेंगे? इसे जल निकासी का समस्या है, इसको हम यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं कि वो नदी को जो चाहिए जल स्तर का वो तो अगर काट करके बना दिया देते, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, सब नदी को बांध दिया गंगा को, किस तरह बेहतर किसान किसानी करता है, वो समस्या है। यहाँ बिहार सरकार को चाहिए और हम जब नीचे से जाएंगे ये आवाज उठाएंगे नीचे से ऊपर तक, यही व्यवस्था को लागू करके जल को नदी को ठीक कीजिए, फिर किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, महिला को जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी लड़ाई है, उसका लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि किसी तरह का लड़की को छेड़खानी हो जाता है तो वो दूसरा गार्जियन सोचता है कि हम पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं भेजते हैं बच्चे को, तो ये समस्या है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और क्या क्या काम हो सकता है मुखिया जी आपके द्वारा? जैसे सामने आते जाएगा, देखिए एक टॉर्च होता है जो आपको 3 किलोमीटर टॉर्च में रोशनी नहीं होता है, और जो जो आगे बढ़ता है तो रोशनी आगे बढ़ते जाता है, जो समस्या हमको सामने। कहने का मतलब है आपने तो दूसरा कदम बढ़ा लिया है मुखिया के तरफ। हाँ। आपने पहले अपना MR कटवाया फिर नामांकन किया, दूसरा कदम बढ़ा दिया, तो तीसरा कदम आपका क्या होगा? तीसरा कदम होगा कि चुनाव मैदान में अभी है, जनता को अपना बात मुद्दा बताते हैं और कानून का बात बताते हैं, आपका अधिकार क्या है, महिला का अधिकार क्या है, छात्र नौजवानों का अधिकार क्या है, बुद्धिजीवियों का क्या अधिकार है, सब हम जन समस्या रखते हैं, यहाँ का जन समस्या सब रखते हैं, वो समझ रहे हैं, बहकावे में अब की बार नहीं पड़ेंगे, वो हमको विश्वास है वो मतदान हमें। क्या यहाँ पे आवास, सभी को आवास वगैरह मिल गया है? जी नहीं। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? इस पहले मैंने कहा घुसखोरी को रोकेंगे, सबसे पहले रुकेगी जो जनता का जो जनसमूह है उसको बैठा करके, वहाँ जिनको नहीं मिला है पूरे पंचायत में सर्वे करेंगे, किनको नहीं मिला है, को कौन देने लायक है, जिसको मकान नहीं बना है उसको हम लिख करके जनता को बैठा करके, पदाधिकारी रहेगा दोनों के सामने बात होगा, वो पास करेंगे और यहाँ से अधिकतर अधिक सोचते हैं भवा परवल का, जो गरीब गुरुओं का है उसको मकान में, मतलब जो भी लाभुक होंगे आप उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाएंगे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन, इस तरह का जो पेंशन आता है उस पर आप कैसे काम करेंगे? सबको हम
देखेंगे सर्वे कर करके हाँ। किस तरह का पूर्व का मुखिया ने छोड़ दिया, वर्तमान कितना छूट गया है, को देने के लायक है, उसको हम सर्वे करके और पूरी तरह से हम लागू करेंगे, रिश्वत खोर मुक्त बनाएंगे, पारदर्शी पंचायत बनाएंगे। जिस तरह का एक शीशा होता है आप अपना चेहरा देखते हैं, एक शीशा होता है कि दूसरे को चेहरा रूबरू होते हैं, उस तरह मुखिया और जनता का सामंजस्य हो जी, घनिष्ठ रिश्ता हो जी, और ऐसा हम चाहते हैं। मतलब आप अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना, आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं इन बहकावे में ना पड़े, जो बहका रहा है और कोई और संपूर्ण समर्थन दे, हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम उस पर उतरेंगे, खड़े उतरेंगे, और पहले भी आंदोलन करते आए हैं, करते रहेंगे। यही आपका उद्देश्य है और यही आप पंचायत की जनता से अपील भी करना। मेरा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, यही मेरा मंजिल रहेगा लास्ट तक जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरेड वासुदेव शर्मा है। आपका आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चिमनी छापा है मेरा। ग्राम संख्या क्या है? 8 है। ग्राम पंचायत? भवा प्रबल है। भवा प्रबल रुपौली प्रखंड, रुपौली प्रखंड जिला पूर्णिया। फिलहाल बने रहे लालचंद टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही करते हैं, जल्दी दबाओ।